स्वरूप भटनागर प्राइजेस। हर साल देश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय विज्ञान के क्षेत्र में अहम योगदान देने वालों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित करता है। आप जानते हैं उनके बारे में जिनके नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। आज ही के दिन 21 फरवरी 1894 को पंजाब के शाहपुर में, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, जन्म हुआ था भारत के महान वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर का, जिन्होंने भारत में कुल 12 राष्ट्रीय शोध प्रयोगशालाओं की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। इसलिए उन्हें भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर भटनागर ने नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NRDC और 1947 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की स्थापना में अहम भूमिका निभाई और इसके पहले महानिदेशक भी रहे। उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC का पहला अध्यक्ष भी बनाया गया था। बचपन में ही शांति स्वरूप भटनागर के पिता का देहांत हो गया। इंजीनियर नाना के यहाँ परवरिश हुई, इसलिए बचपन से ही साइंस में दिलचस्पी थी। स्कूली शिक्षा के बाद 1911 में लाहौर के दयाल सिंह कॉलेज से आगे की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई में अव्वल रहे भटनागर जी को छात्रवृत्ति मिली। लंदन से 1921 में उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि ली। जब वापस लौटे तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर बने, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़ गए और 19 साल तक शिक्षा जगत की सेवा की। जो सबसे बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है ड्रिलिंग के, ऑयल ड्रिलिंग के कॉन्टेक्स्ट में और कोलॉइड केमिस्ट्री के, जिसमें कि किसी भी सॉलिड को उन्होंने विस्कस करने का काम किया और इसके वजह से आज हम ऑयल ड्रिलिंग आसानी से कर पाते हैं। शांति स्वरूप भटनागर को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र में 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनका निधन 1 जनवरी 1955 को हुआ। CSIR ने उनकी स्मृति में उनके नाम पर पुरस्कार की घोषणा की, जो हर क्षेत्र के कुशल वैज्ञानिकों को दिया जाता है। नई पीढ़ियों में विज्ञान के संस्कार जगाने वाले, आधुनिक भारत को साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने वाले महान वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।